वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पेंडुलम एडी पे। मैं दिनेश, जैसा कि हमने डिस्कस किया था हमारे लेक्चर सीरीज़ में, हम आरआरबी एनटीपीसी के लिए अपनी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे थे, तो आज हमारी इस लेक्चर सीरीज़ का पहला दिन है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम सबसे पहले किस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, हमारे नंबर सिस्टम से, यानी कि संख्या पद्धति से। ठीक है, इसमें देखेंगे हम कि हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिटेल दे देते हैं कि हम इसमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी चैप्टर को, संख्या पद्धति, या जिसे कहते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो संख्याओं का प्रकार होता है, यानी कि संख्या के क्या क्या क्लासिफिकेशन है, किस किस इनको टाइप में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। उसके बाद हम चलेंगे आगे भाज्यता के नियम पर, या इसे इंग्लिश में कहें तो डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे इकाई का अंक, जिसमें आप देखेंगे कि हम इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, या जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि उसको हम कैसे अप्रोच करना है, या किस तरीके से हम उसे सॉल्व करना है। इसके बाद हम अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, जो हमारा होगा फैक्टर, यानी कि गुणनखंड, कि कोई भी आपको नंबर दिया गया है उसके फैक्टर कितने फैक्टर बन सकते हैं, ओड फैक्टर कितने होंगे उसके अंदर इवन फैक्टर कितने होंगे। तो ये सब चीज़ें हम इस फैक्टर वाले मेथड में देखेंगे। उसके बाद हम चलेंगे अपने अगले टॉपिक शेषफल प्रमेय पर, से कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। इसमें देखेंगे हम कुछ नए कंसेप्ट सीखेंगे कि किस तरीके से आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं, बड़ी बड़ी टर्म्स का बड़ी ईजी तरीके से आप जो है उनको निकाल पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, भिन्न से संबंधित सवाल, यानी कि जो फ्रैक्शनल जो वैल्यूज होती हैं आपको उनके ऊपर दिखाएंगे कि भाई उनको डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। अगर आपको तीन चार भिन्न दी गई हैं, उनमें से आपसे पूछ लिया जाएगी भाई छोटी भिन्न कौन सी है और बड़ी भिन्न कौन सी है, तो उस कंसेप्ट को भी हम सीखेंगे और देखेंगे आप कि कितनी आसानी से आप उन चीज़ों को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा ब्रीफ डिटेल थी कि हम इस टॉपिक में अपने संख्या पद्धति में क्या क्या पढ़ेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि भाई संख्या पद्धति होती क्या है। ठीक है, तो संख्या पद्धति क्या होती है। संख्या पद्धति होती है आपकी नंबरों को, यानी संख्याओं को प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, संख्याओं को प्रदर्शित करने का तरीका क्या कहलाता है आपका, नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। यह भी कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो इसके प्रकार देख लेते हैं कि कितने टाइप की होती है, कि नंबरों को हम कितने कितने प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, किस किस मेथड में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है द्विआधारी संख्या पद्धति, इसे इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, इसके बाद आपका अगला आता है दशमलव संख्या पद्धति, जिसे कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, इसके बाद अगला टाइप आता है आपका ऑक्टा डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे टाइप होते हैं इसके, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका दशमलव संख्या पद्धति। यहीं से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम इनमें से अभी दशमलव संख्या पद्धति को सीखेंगे कि इसके ऊपर आप कैसे कैसे क्वेश्चन बनाती है आपकी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी। उसके बाद हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे द्विआधारी संख्या पद्धति, क्योंकि आजकल एग्जाम में इससे भी आने लगे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक दशमलव संख्या पद्धति को, दशमलव संख्या पद्धति।
तो दशमलव संख्या पद्धति में होता क्या है, इसमें जो नंबरों को रिप्रेजेंट किया जाता है, संख्या को प्रदर्शित किया जाता है, वो 10 मूल अंकों में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, संख्या को 10 मूल अंकों से प्रदर्शित किया जाता है। और वो 10 मूल अंक कौन कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। आप देखेंगे कि जो भी संख्या बनती है इन्हीं 10 मूल अंकों से मिलकर बनी होती है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, 1235। ठीक है, तो ये एग्जांपल क्या हुआ, ये किस नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट किया गया है, ये दशमलव संख्या पद्धति में इसको प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, ऐसी जितनी भी संख्याएं होती हैं सब दशमलव संख्या पद्धति में प्रदर्शित की जाती हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं कि यानी कि ये बेस 10, ये जो संख्या प्रदर्शित की गई है किस बेस से प्रदर्शित की गई है, 10, यानी कि 10 मूल अंकों से इसको प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, अब इसमें आपके किस किस टाइप के क्वेश्चन बन जाता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, तो वो देख लेते हैं। एग्जाम में आपसे कई बार पूछा जाता है कि प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान और संख्यात्मक मान यानी कि फेस वैल्यू, इनके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले इनको समझ लेते हैं कि होते क्या क्या हैं। तो आप देख रहे हैं जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, जो जिस संख्या जिस स्थान पर होती है वो उसका स्थानीय मान कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझ लेता हूं, जैसे 235 मैंने एक संख्या लिख ली, ठीक है, आपसे इसमें पूछा गया 5 का स्थानीय मान बताओ, तो आपसे कहा गया भाई 5 कौन से स्थान पर है, फिलहाल पहली पोजीशन पर आपका 5 है, तो आप कहेंगे पोजीशन के हिसाब से ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है और ये सैकड़े का अंक होता है, तो आप कहेंगे 5 का स्थान तो इकाई पर है तो आप इसे 5 ही कहेंगे, कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5। अगर आपसे पूछ लिया जाता 2 का स्थानीय मान क्या है, तो आप कहेंगे सैकड़े के स्थान पर है, तो आप कहेंगे 2 तो रहेगा ही रहेगा मेरा, क्योंकि इसका प्लेस है ये, और साथ में ये जो 2 डिजिट हैं इनको क्या कर देते हैं, 0, क्योंकि ये सैकड़े के स्थान पर है। आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि ये 2 × 100 है, ये सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए क्या कर देते हैं, 2 के आगे बाकी जितने नंबर होते हैं उन सबको क्या कर देते हैं, 0। तो इससे हमें पता चल जाता है कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, ऐसे हम चलते हैं अपने अगले वाले फेस वैल्यू पर। तो फेस वैल्यू क्या होती है, जैसा आप देख रहे हैं कि नाम से फेस, फेस का मतलब है भाई जिसका जैसा फेस दिखता है वो वैसा ही तो होगा। तो आप देखेंगे कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 8, 9, 6, इसमें आपसे पूछ लिया गया कि भाई 9 का फेस वैल्यू क्या है, यानी कि संख्यात्मक मान क्या है। भाई फेस वैल्यू से पता चल गया भाई जिसका जैसा फेस उसकी वही वैल्यू, तो आप कहेंगे 9 का कैसा फेस है, 9 का जी 9 जैसा ही फेस है, तो 9 की फेस वैल्यू क्या होगी, संख्यात्मक मान क्या होगा, 9 ही होगा। आपसे पूछ लिया जाए 8 का संख्यात्मक मान क्या होगा, तो जो संख्या है वही आपका मान होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्लेस वैल्यू और ये हो गई आपकी फेस वैल्यू। तो इस पर कैसा सवाल बनता है वो देख लेते हैं हम। इस पर कैसा क्वेश्चन बनेगा आपका, क्वेश्चन बनेगा आपसे संख्या, एक संख्या दे दी गई, ₹24,768 में 4 के स्थानीय मान तथा 8 के संख्यात्मक मान का अंतर ज्ञात करो। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि 24,768 में 4 के स्थानीय मान और 8 के संख्यात्मक मान का अंतर आपसे पूछा गया है, तो आप क्या कहेंगे, भाई 4 का स्थानीय मान निकालना पड़ेगा मुझे, तो 4 कौन से नंबर पे है, इस प्लेस पे है 4, तो आप कहेंगे इसके बाद जितनी संख्याएं आती हैं इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और आपसे कब पूछा गया, 8 के संख्यात्मक मान, तो भाई 8 का संख्यात्मक मान क्या होगा, जैसा 8 दिखता है,
इनका आपसे अंतर पूछा गया है तो आप अंतर निकाल लेंगे, यहां से आप हासिल लेंगे तो यहां जाएगा 10, 10 में से 8 गए 2, यहां 9, यहां भी 9 और यहां पे 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3992। ठीक है, इस पे आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए इससे आगे के टॉपिक देख लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं संख्याओं का क्लासिफिकेशन कि कितने टाइप की आपकी संख्याएं होती हैं। ठीक है, संख्याओं का प्रकार, वैसे आपको पता है संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। एक तो होती है आपकी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में कौन कौन सी आएंगी, जो हमें प्रकृति से मिली हुई हैं या जो हमें नेचर से मिली हुई हैं। तो आप प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी है हमारी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी, ये सारी क्या है आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा टाइप क्या आता है आपका, आप कहते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होंगी, पूर्ण संख्याएं वो होंगी जो प्राकृतिक संख्याएं तो है ही हैं लेकिन उसके साथ हम जीरो को भी ऐड कर दें, जीरो को भी उसके साथ ले लें। तो आप कहेंगे पूर्ण संख्या हो जाएंगी हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक। ठीक है, ये आपकी हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं। इसके बाद आती हैं आपकी सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्या क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये संख्याएं कौन कौन सी होती है, ये संख्याएं होती हैं आपकी a प्लस आई बी की फॉर्म में। ठीक है, a प्लस आई बी की फॉर्म में। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसका, ये तो होता है वास्तविक संख्याएं और ये वाला जो पार्ट होता है इसका आई बी वाला, इसे बोलते हैं हम काल्पनिक हिस्सा, वास्तविक हिस्सा। ठीक है, तो अब ये काल्पनिक हिस्सा और वास्तविक हिस्सा क्या होता है, यानी कि अब इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि काल्पनिक हिस्सा और वास्तविक हिस्सा क्या होता है। तो आप कहेंगे हमारे पास दो पार्ट हैं, ए और आइटा बी। ठीक है, ये आई क्या होता है, आई, इसको बोलते हैं आयोटा, ये होता है आपका काल्पनिक संख्या, ये एक इकलौती काल्पनिक संख्या है आपकी जिसका मान होता है आई इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, या आप कह सकते हैं आयटा स्क्वायर बराबर क्या होता है माइनस 1, ये एक इकलौती संख्या है यहां पर। और जो बची हुई है हमारी ए और बी, ये होती हैं हमारी रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। ठीक है, और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं आपकी, वास्तविक संख्याएं जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो आप कहेंगे वास्तविक संख्याएं कौन सी होगी, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी आपकी, वास्तविक संख्याएं। अब हमें यह देखना है कि भाई परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को भी देख लेते हैं क्या होती है। परिमेय संख्या या इंग्लिश में बोले तो रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, आपको पता है कि जिन संख्याओं को आप a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं
वो क्या कहलाती हैं आपके? परिमेय संख्याएं। वो क्या कहलाती हैं आपके? परिमेय संख्याएं। जैसे मैं आपसे एग्जांपल दूं, 5/2, 7/3, 15/2, तो जितनी भी सारी हैं आपकी क्या कहलाएंगे? आपकी परिमेय संख्याएं। इनको मैं क्या लिख सकता हूं? a बाई बी की फॉर्म में लिख सकता हूं। ऐसे ही 22/7 भी क्या होती है? हमारी एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इन परिमेय संख्याओं के बारे में थोड़ा सा और डीप समझ लेते हैं कि भाई ये 5/2 के रूप में, 7/3 के रूप में कैसे लिखी गई हैं। तो आप जानेंगे कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं हमारी, वो होती हैं हमारी रिपीटिंग, यानी कि ये पुनरावृत्ति करती हैं, और टर्मिनेटिंग होती हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि ये कहीं पे जाके समाप्त हो जाती हैं, ठीक है, और ये रिपीट करती रहती है अपने नंबर को। तो मैं अगर इनको समझाना चाहूं तो कैसे समझाऊंगा इन्हें? आप देखेंगे रिपीटेड, जैसे मैंने आपसे कह दिया 0.33333, ये यहां पे क्या हो रहा है? ये रिपीटिशन हो रहा है अंकों का। तो आप देखेंगे कि भाई मैं इसको पी बाई क्यू के रूप में या ए बाई बी के रूप में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। इसको क्या लिख देते हैं हम? 0.3/12, ठीक है। तो आप 0.3/12 को कैसे लिख सकते हो? 3/9, यानी कि 1/3। आपने देखा, आपने इसे किस फॉर्म में लिख दिया? ए बाई बी की फॉर्म में लिख दिया। तो आप कहेंगे ये तो रिपीटिंग थी। तो जो रिपीटिंग होती है वो क्या कहलाती है? आपकी परिमेय संख्याएं। और टर्मिनेटिंग का मतलब है कि हम इनको समाप्त कर सकते हैं, यानी कि ये अनंत तक जा रही थी, ठीक है। हमने इसको एक कंबाइन रूप में लिख के क्या लिख दिया? 1/3। तो ये क्या हो गई? टर्मिनेटिंग भी हो गई, यानी कि हम इस पॉइंट को टर्मिनेट कर सकते हैं। जैसे 5/2 है, इसको क्या लिखोगे आप? 2.5। तो ये 5 पे जाके टर्मिनेट हो गई, यानी कि यहाँ पे खत्म हो गई। तो हम इससे आगे ना तो ये रिपीट हो रही है, ना ही आगे इसकी कोई वैल्यू जा रही है, ठीक है। तो ये आपकी टर्मिनेटिंग हो गई। अब हम देख लेते हैं अपनी अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अपरिमेय संख्याएं, या जिसे इंग्लिश में कह देते हैं इरेशनल नंबर, ये कौन सी संख्याएं होती है? वे संख्याएं जिन्हें a बाई बी के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिखा जा सकता, वो क्या कहलाती हैं आपकी? वो कहलाई जाती हैं आपकी अपरिमेय संख्याएं। तो मैं एग्जांपल से बताऊं कौन कौन सी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो आप कहेंगे √2, √3, √5, ठीक है। इसी टाइप से आपकी अपरिमेय सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है कि पाई जो है, पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू जो है वो आप, बहुत बड़ी वैल्यू है जिसे आप याद नहीं कर सकते। पाई की वैल्यू को आप 22/7 मान लेते हैं कई बार, लेकिन ये 22/7 क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। ये आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मानते हैं कि 22/7 एक पाई का मान होगा, लेकिन पाई का एक्चुअल जो मान है वो है आपका 3.1423। ये आपका चलता रहता है, ये इन्फिनिटी तक है, ये खत्म नहीं होता है। तो आपने देखा जब पाई का मान ऐसा है कि इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है और ये खत्म नहीं हो रहा है, और ये कहीं पे रिपीट भी नहीं करता है कि कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट हो जाए। जैसे मैं कह दूं कि 0.257257257, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे रिपीटेशन चल रहा है, यानी कि बार बार पुनरावृत्ति हो रही है अंकों की। तो इसमें ऐसा नहीं होता है अपरिमेय संख्याओं में, इसमें कहीं पे भी कोई पैटर्न नहीं होता है, कहीं पर भी पुनरावृत्ति नहीं होती है चीजों की, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं इसे? जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं आपकी, वो क्या होती हैं? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि वो कहीं पे भी आप उसे पी बाई क्यू के रूप में या ए बाई बी के रूप में उसे आप नहीं लिख सकते, और नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि उसमें कहीं पर भी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, इसे आगे देख लेते हैं अब हम। इसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है कि पूर्णांक क्या होता है, या जिसे हम कहते हैं इंटीजर। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है या इंटीजर क्या होता है। तो पूर्णांक अगर मैं आपको बताना चाहूं, पूर्णांक होता है सभी पूर्ण संख्याओं को धनात्मक यानी कि पॉजिटिव साइन तथा नेगेटिव साइन के साथ एक समुच्चय के रूप में लेने पर। वह क्या कहलाता है? वह पूर्णांक कहलाता है। तो आपने देखा पूर्ण संख्याओं को जब हम पॉजिटिव साइन यानी धनात्मक चिन्ह और ऋणात्मक चिन्ह के साथ जब हम लेंगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका पूर्णांक कहलाएगा। तो अगर डिनोट करना चाहें तो किसी से डिनोट करेंगे? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और प्लस इन्फिनिटी। तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये आपका कहलाएगा पूर्णांक। ये जो सेट है आपका, ये जो समुच्चय है, ये क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सम संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो सम संख्याएं क्या होंगी? यानी कि इवन नंबर। तो सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो क्या हो गया सम संख्या? जो दो से पूर्णतः विभाजित हो वो क्या कहलाती है आपकी? वो कहलाती है आपकी सम संख्या। जैसे 4, 6, 8, 10, 12 ये सब क्या है? ये आपकी दो से कटने वाली संख्याएं हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है आपकी? सम संख्याएं। अब आगे आपसे पूछा जाए कि विषम संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि ऑड नंबर। वो संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो वो क्या कहलाती है आपकी? विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे ही इन्फिनिटी तक। ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी आपकी? ये कहलाएंगी आपकी विषम संख्याएं। ठीक है, तो आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। ठीक है, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? 0। ठीक है, और सबसे छोटी सम संख्या 0 ही क्यों होती है ये हम देख लेते हैं एक बार। तो 0 छोटी सम संख्या क्यों होती है? आपने आपको प्रॉपर्टीज के बारे में पता है कि प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी, अगर मैं दो सम संख्याओं को जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलनी चाहिए? एक सम संख्या मिलनी चाहिए। और आपको ये भी पता है जैसे दो सम संख्याओं को जोड़ूं, अगर मैं जैसे मैंने कहा 4 और 6 को जोड़ देता हूं तो क्या मिल रहा है मुझे? 10। ये ऐसी ऐसी संख्या है जो दो से कट रही है, बिल्कुल कट रही है। तो ये प्रॉपर्टी है कि दो सम संख्याओं को जोड़े तो सम संख्या मिलती है। ऐसी एक प्रॉपर्टी होती है अगर मैं एक विषम संख्या और एक सम संख्या को जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? विषम संख्या मिलनी चाहिए। देख लो एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई अगर मैं विषम संख्या क्या है? 3 है और सम संख्या 2 है, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं क्या मिलेगा? 5। ये भी क्या है? एक विषम संख्या है। ठीक है, तो हम इन्हीं दो प्रॉपर्टी से ही देख लेते हैं कि 0 हमारी सम संख्या क्यों है। मैंने कहा आप 0 सम संख्या ले लो और इसके साथ एक सम संख्या ले लो 4, तो आपको क्या मिलेगा? 4। क्या मिल रही है आपको? एक सम संख्या मिल रही है। तो प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है बिल्कुल। आप कहें एक सम संख्या ले लेते हैं 3, विषम संख्या 3 ले लेते हैं और सम संख्या ले लेते हैं 0,
तो भी क्या मिल रहा है हमें, 3 मिल रहा है, और ये क्या हमारी एक विषम संख्या है। तो आपने देखा कि भाई ये हमारी दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो भी कर रहा है। एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, अगर आप विषम और विषम संख्या को मिलाते हो तो क्या मिलना चाहिए आपको, जैसे हमने कहा 3 और 5 को मिला दिया तो आपको क्या मिला, 8, यानी कि आपको एक सम संख्या मिलनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इस प्रॉपर्टी से आपको बता देता हूं कि अगर मैं 0 को विषम संख्या ले लूं तो ये प्रॉपर्टी भी फॉलो होनी चाहिए। अगर मैं 0 को सम संख्या ना मानूं, आप कहते हैं कि भाई 0 को हम नहीं मान रहे सम संख्या, तो मैं कहता हूं फिर 0 को मैं विषम संख्या मान लेता हूं। तो अगर मैं 0 को विषम संख्या मान लेता हूं तो मैंने कहा 3 और 0, मैं इनको ऐड करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 3, ये क्या है, एक विषम संख्या है। लेकिन यहां से मिलना क्या चाहिए था मुझे, मुझे एक सम संख्या मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिला क्या मुझे, विषम संख्या। तो ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसे भी कह सकते हैं कि आप 0 क्या है, 0 एक सम संख्या है, और जो कि सबसे छोटी है, ठीक है। तो आइए आगे देख लेते हैं और टाइप की क्या टाइप है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार भाज्य संख्या, ये एक टाइप है कि भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो भाज्य संख्याओं को अगर मैं बताना चाहूं कौन कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो एक तथा अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, यानी कि किसी अन्य संख्या से भी वो कटनी चाहिए, वो क्या कहलाती है, आपकी भाज्य संख्या। तो आप कह सकते हैं कि भाई एक तो एक हो गया, एक में कोई संख्या ले लूं, जैसे मैंने ले ली 15, ठीक है, तो एक वो संख्या खुद हो गई 15, और एक ही किसी और अन्य संख्या से कटनी चाहिए, तो ये बिल्कुल कट रही है, 3 से भी कट रही है, 5 से भी कट रही है। तो आप क्या कहोगे, इसके मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए, यानी कि 2 से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगी, तभी वो कहलाएगी आपकी भाज्य संख्या, ठीक है। और अगर मैं अभाज्य संख्या की बात करूं तो अभाज्य संख्या कौन सी होगी, जो एक तथा अपने आप से विभाजित हो, ठीक है, यानी कि जो सिर्फ एक से विभाजित हो और अपने आप से विभाजित हो, तो सिर्फ वही संख्या अभाज्य संख्या होगी, यानी कि जो उसके गुणनखंड होंगे संख्या के वो कितने होंगे, सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे। 2 से ज्यादा अगर गुणनखंड है तो वो क्या कहलाएगी, आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। अगर केवल 2 ही है तो वो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। जैसे 7 ले लिया मैंने, अगर 7 के गुणनखंड आप देखना चाहते हैं तो ये 1 से कटेगी और एक ये 7 से कटेगी, बाकी और किसी से नहीं कटेगी। तो आपने देखा कि इसके सिर्फ 2 ही 2 गुणनखंड हैं, बाकी इसका कोई और गुणनखंड नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी अभाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। इसी में क्या है, हम देख लेते हैं, एक टाइप होता है सह अभाज्य संख्या, या इसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, तो आप देखेंगे कि भाई को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी कि जो सिर्फ एक से कटती हो, उसके अलावा वो किसी भी संख्या से आपस में नहीं कटनी चाहिए, तो वो क्या कहलाती है, आपकी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं आपसे कि जैसे मैंने 2 और 5 को ले लिया, तो आप कहेंगे ये सिर्फ एक से कट रही है, बाकी और किसी संख्या से नहीं कटेगी, ठीक है, तो यानी कि इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए एक के अलावा, यानी कि आप इन दोनों में से सिर्फ एक को कॉमन ले सकते हैं, बाकी और कोई ऐसी संख्या नहीं है कि जिसे आप इन दोनों में से कॉमन ले लें, इन दोनों को उस संख्या से आप काट सकें, ठीक है। ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके, 11, 13 हो गई, इन दोनों में भी आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्या कहला सकती हैं।
तो आप कहेंगे यहां से एक बात आपको और पता चल गई कि जब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, या जो कॉमन आया वो हमारे पास क्या आया, सिर्फ एक कॉमन आया, तो आप कह सकते हैं यहां से इनका HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक इन दोनों संख्याओं का क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, तो वो क्या कहलाती है आपकी, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, इसमें अब हम जो है आगे इतना ही क्लासिफिकेशन है आपके लिए, यही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनके ऊपर एक दो क्वेश्चन या इस टाइप पे एक दो क्वेश्चन किस प्रकार से बनाया जा सकता है। ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है कि आपके पास दो संख्याएं हैं या दो नंबर हैं, उनके बीच परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या बताओ। तो देखते हैं कि उनके बीच हम परिमेय और अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, जैसे आपके पास दो नंबर हैं, दो है और पाँच है, आपको इनके बीच परिमेय संख्या निकालनी है, परिमेय संख्या। तो आप बड़े इजीली कह सकते हो कि परिमेय संख्या सबसे पहले क्या होगी, दो और पाँच को मैं जोड़ दूं और इसे दो से डिवाइड कर दूं तो कितनी आ जाएगी, 3.5, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि 7/2। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है आपकी, 7/2, एक परिमेय संख्या मिल गई आपको। अब आपसे पूछ लिया जाए कि एक नहीं, मुझे तो ज़्यादा चाहिए परिमेय संख्याएं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि अब 2 और 7/2 के बीच आप परिमेय संख्या निकाल लो, तो आगे की परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 2 + 7/2 2/2। आप यहां से कहोगे 2 × 4 = 7 11/4, 2 नीचे आ जाएगा, ये भी क्या हो गई आपकी, ये भी एक परिमेय संख्या हो गई। ये भी कहाँ आएगी, ये भी 2 और 5 के बीच में आएगी। ठीक है, देख सबसे सिंपल तरीका है, आपको परिमेय संख्या बतानी है 2 और 5 के बीच, तो यानी ऐसी संख्या होनी चाहिए कि जो 2 और 5 के बीच ही आए, चाहे वो पॉइंटों में, जैसे 3.4 3.5, ये सब क्या हैं, ये आपकी सब परिमेय संख्याएं हैं। पॉइंट को हटाओ, उसे संख्या को आप a/b के रूप में लिख लो, वो क्या हो जाती है, आपकी परिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, अगर आप एक जनरल वे में एक छोटा सा कहते हो कि मैं आपको एक फॉर्मूला भी बता देता हूँ कि आप उससे निकाल भी सकते हैं। जैसे मेरे पास दो संख्याओं ए व बी के बीच परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या हो जाएंगी ए और बी के बीच में, आप कह सकते हो a k + b/k + 1 k + 1, ये क्या हो जाएगी आपकी, इन संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे इसको मैं इस्तेमाल करना चाहूँ, a आपने कुछ भी ले ली, दो संख्याएं ले ली आपने, मैं कहता हूँ आपसे 2 और 5 ही ले ली मैंने, तो a की वैल्यू कितनी होगी 2, b की वैल्यू होगी आपके पास 5। अब मैं यहाँ पे k की वैल्यू क्या क्या ले सकता हूँ, k की वैल्यू कुछ भी ले सकता हूँ, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकता हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले मैं a की वैल्यू रखूँगा 2, k की वैल्यू मैंने 1 रखी है, प्लस b 5 है, और डिवाइड बाय k की वैल्यू 1 रखी है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये 7/2। तो देख लो एक परिमेय संख्या आ गई आपके पास 7/2। अगर मैं यहाँ 2 रखने की कोशिश करता हूँ तो देखिए क्या होता है, 2 × 2 + 5/2, k की वैल्यू 2 रखी है, 2 + 1 = 3, तो कितना आ गया, 4 × 5 = 9, 9/3, आप कहोगे ये आ गया मेरे पास 3। तो आप ये कह सकते हो कि हाँ, ये आप जनरल वे का एक फॉर्मूला मान सकते हो कि हाँ जनरल वे का एक फॉर्मूला हो जाएगा, इससे आप कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कुछ और पुट करके देख लेते हैं साथ में, जैसे a की वैल्यू 2 थी, मैं यहाँ पर k की वैल्यू 5 पुट कर लेता हूँ, प्लस b कितना है मेरा 5 है, 5 + 1 = 6, तो 5 × 2 = 10 और 5 = 15/6, 15/6 को अगर करोगे आप तो 6 × 2 = 12, और बच गया 3 × 6 = 30, तो कितना आ गया 2.5, ये भी 2 और 5 के बीच में एक परिमेय संख्या होगी आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से आप परिमेय संख्या निकाल सकते हो। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि अपरिमेय संख्या हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, जैसे आपको दिया गया कि आपके पास 2 अपरिमेय संख्याएं हैं, √a और √b, ये क्या है आपके पास, अपरिमेय संख्याएं, आपको इनके बीच एक दूसरी या इन दोनों के बीच की जो है आपको अपरिमेय संख्या निकालनी है, तो आप उसे कैसे निकालेंगे। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको बताना चाहूँ कि मेरे पास 2 हैं √2 और 1 है √3, ये 2 संख्याएं हैं मेरे पास,
इनके बीच मुझे अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो देखिए, मैंने कहा कि मैं इसे ए मान लेता हूँ कि ये मेरी ए है, और ये मेरी मान लेता हूँ ये मेरी संख्या बी है, तो इनके बीच परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ ए बी, यानी ये क्या होगी, इनके बीच अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आप कहेंगे मैं इसे कैसे लिखूंगा, अंडर रूट ऑफ टू इंटू अंडर रूट ऑफ थ्री, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये दो है, ये भी दो है, तो आप इसे कह सकते हो अंडर रूट के अंदर अंडर रूट सिक्स आ जाएगा। अब जब दो बार अंडर रूट चढ़ रहा है तो आप ये कह सकते हो कि छः की पावर एक बटा चार हो जाएगी, ये ठीक है। ये क्या है, इनके बीच में एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही अगर आप अगली अपरिमेय संख्या निकालना चाहते हैं, या इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, छः और इसकी पावर चार। अगर आप आगे अपरिमेय संख्या निकालना चाहते हैं तो अब आप ऐसे निकाल सकते हैं कि अंडर रूट दो और अंडर रूट ऑफ छः की पावर चार के बीच आप संख्या निकाल सकते हैं, आपकी आगे की अपरिमेय संख्या निकल जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ से आपसे एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं अपना डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि भाज्यता के नियम। इसमें कैसे संख्याओं को भाग दिया जाता है, कि दो का डिविजिबिलिटी रूल कैसा होता है, दो से किन किन संख्याओं को भाग दे सकते हैं, चार से कैसी संख्या को हम भाग दे सकते हैं, ऐसे ही आठ से किसे दे सकते हैं, नौ से भाग देने का नियम क्या कहता है, तो डिविजिबिलिटी के रूल्स को हम देख लेते हैं कि आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और ये आने वाले एग्जाम में आपसे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम डिविजिबिलिटी रूल को देख लेते हैं, डिविजिबिलिटी रूल है क्या। चलिए, तो डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाएंगे, ठीक है। इस कंसेप्ट पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, और क्या पता आपके आने वाले एग्जाम में इस पर क्वेश्चन बन जाए। बड़ा ही मजेदार छोटा सा कंसेप्ट है। देखिए क्या है ये कंसेप्ट, आपसे पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है पूर्ण संख्या, या इसे कहें परफेक्ट नंबर, कि परफेक्ट नंबर क्या होता है, या आपको दे दिया गया कि भाई चार ऑप्शन दे दिए गए, उनमें से आपसे पूछ लिया गया इनमें से परफेक्ट नंबर कौन सा है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं परफेक्ट नंबर होता क्या है। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है, वो संख्या जिसके सभी गुणनखंडों यानी के फैक्टर का योग संख्या के बराबर होता है, इसमें एक्सेप्शन क्या है, संख्या को छोड़कर, कि जो संख्या दी गई होगी आपको उसे छोड़ देना है, वो उसे फैक्टर नहीं लेना है, बाकी के जितने फैक्टर होंगे उन सबको ऐड करना है। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से अगर मैं समझाना चाहूं, मैंने लिया एक नंबर सिक्स, ठीक है। आप कहेंगे इस सिक्स के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं, आप कहेंगे इसका एक भी गुणनखंड होगा, दो भी होगा, तीन भी होगा, और छह भी होगा। ये चार क्या हो सकते हैं इसके, इसके गुणनखंड हो सकते हैं। भाई संख्या छह एक से भी कट रही है, दो से भी कट रही है, तीन से भी कट रही है, और छह से तो ये कटी रही है, ठीक है। तो क्या होगा, इसके चार गुणनखंड हो गए। अब हमें पता करना है क्या ये परफेक्ट नंबर है आपका, तो आप कहेंगे संख्या के सभी गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर होना चाहिए, लेकिन संख्या को छोड़ना है, तो हम क्या कहेंगे, ये संख्या है इसको हमें छोड़ देना है। तो आप देखेंगे एक प्लस दो प्लस तीन कितना बन गया, तीन और तीन छः, तो आप कहेंगे छः क्या है हमारी, एक परफेक्ट नंबर है। ऐसे ही मैं एग्जांपल में देख लेता हूँ, क्या भाई मेरी 20 परफेक्ट नंबर है, 20 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं, देख लेते हैं। एक भी होगा, दो भी होगा, चार भी होगा, पाँच भी होगा, दस भी होगा, और 20 भी होगा, ये सारे क्या होंगे, इसके गुणनखंड होंगे। तो परफेक्ट नंबर निकालने के लिए हमें इस 20 को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, इनका सम देख लेते हैं, एक दो तीन और चार सात, पाँच बारह और दस बाईस, इनका योग कितना बन रहा है, 22 बन रहा है, लेकिन हमारी संख्या तो कितनी थी, 20, तो 20 क्या हुआ, एक परफेक्ट नंबर नहीं है। तो एक परफेक्ट नंबर और देख लेते हैं कि एक परफेक्ट नंबर और कौन सा हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कह देता हूँ ये 28, आप 28 को निकाल लें, ये एक परफेक्ट नंबर है। कैसे, आपको पता है इसके गुणनखंड एक भी होगा, दो भी होगा, चार भी होगा, सात भी होगा, चौदह भी होगा, और 28 भी होगा, ये सारे क्या होंगे, इसके गुणनखंड होंगे, ये इन सबसे कट रहा है। तो आप कहेंगे परफेक्ट नंबर निकालने के लिए मुझे संख्या को छोड़ना पड़ता है, तो बाकी इन सबको ऐड करेंगे, दो और एक तीन,
तीन और चार सात, सात सात चौदह, और चौदह चौदह अट्ठाईस। तो क्या मिल गया मुझे गुणनखंडों का योग करने पर? 28 मिल गया, और यही हमारी संख्या थी। तो आपने देखा कि भाई जो हमारा परफेक्ट पूर्ण संख्या होती है, परफेक्ट नंबर होती है, उसके गुणनखंडों का योग किसके संख्या के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की सेशन में हम इतना ही देखते हैं, और अगले सेशन में हम आपसे मुलाकात करेंगे। इस सेशन में हमने देख लिया कि अपना परफेक्ट नंबर स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो है आपका डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि भाज्यता का नियम। तो दोस्तों अगर जितना हमने अब तक आपको समझाया है, अगर उसमें कहीं भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी पता लग सके कि भाई कैसे कैसे चीज़ें आपके एग्ज़ाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर सीरीज़ का अपडेट मिलता रहे कि कब आने वाली है हमारी अगली लेक्चर सीरीज़। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में, और जिसमें देखेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल से स्टार्ट करेंगे। Thank you.